आज हम बहुत अमेजिंग सी चॉकलेट बनाएंगे, वो भी पॉपेट के साथ। और मैं कैसी कैसी चॉकलेट बनाऊँ मुझे कमेंट करके आप ना जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसी चॉकलेट बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी गर्म किया और उस पर डाल दिया डेरी मिल्क, और डेरी मिल्क जब अच्छे से मेल्ट हो गई तो उसको काट के उसको पॉपेट के अंदर डाल दिया। तो आपको क्या करना है, आपको डेरी मिल्क को अच्छे से फैला लेना है, और इसमें अब जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना उसको आपको एक कटोरी में निकाल लेना है। इससे ये होगा कि हम इसके अंदर जितनी भी फिलिंग भरेंगे वो इसके अंदर अच्छे से भर जाएगी। अब इसको आपको फ्रिज में रख देना है, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बच गई है उसको आपको कटोरी में निकाल लेना है और पानी के अंदर डाल देना है। तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी जम चुकी है, तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं पसंद तो आप इसके अंदर कैरमल डाल सकते हैं या कुछ और डाल सकते हैं। अच्छे से कंडेंस मिल्क को भरने के बाद आपको इसको फिर से सील कर देना है चॉकलेट से, और इसको अच्छे से फ्रिज में रख के जमा लेना है। अच्छे से जम जाने के बाद ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अंदर से एकदम क्रीमी क्रीमी थी।